चैट दिस मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके थे और उसके फॉर्मूलाज जो अपन ने यूज किया था, रिग्रेशन लाइन, ठीक है, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, y ऑन x वगैरह देख चुके थे। तो आज अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज पार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो 3.1 एक्सरसाइज नंबर 3.1 में पहला क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, चेक आउट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते पहले, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व लेते हैं। पहला चीज क्वेश्चन देखो, द एचआरडी मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू फाइंड द मेजर व्हिच ही कैन यूज टू फिक्स द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन अप्लाइंग फॉर द जॉब इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ही कलेक्टेड द डाटा ऑफ अ 7 पर्सन फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट रिफर टू ईयर ऑफ अ सर्विस एंड देयर मंथली इनकम। अब क्या हो रहा है, जो एचआर होते हैं, एचआरडी जो मैनेजर होते हैं डिपार्टमेंट के, जो एचआर होते हैं, हेड जो होते हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा कुछ डिसाइड करने के लिए कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी के अंदर कोई एक्सपीरियंस पर्सन अगर कंपनी के अंदर आते हैं सेम पार्ट वाले, तो उनको सैलरी कितना दूं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सेवन मेंबर्स के सैलरी और कितने साल का एक्सपीरियंस, उसको उसका डाटा लेके उसको क्या किया गया, सॉल्व करके अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन आएगा तो उनको कितना सैलरी देना चाहिए। ओके, इतना समझ में आया। तो एक गिवन डाटा दिया है एक्स और वाई के फॉर्म में, जैसे आपको मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं, ईयर ऑफ अ सर्विस को क्या बोला है, एक्स बोला है, फिर उसके बाद मंथली इनकम को क्या बोला है, वाई। अब ये मंथली इनकम ध्यान देना, ये 1000 के फॉर्म में, जैसे 10,000, 8,000, 6,000, 5,000, 4,000, 7,000, ऐसे समझ में आ रहा है। तो ऐसे फॉर्म में क्या दिया गया, उन्होंने डाटा दिया है, बट अभी 1000 लिया तो कैलकुलेशंस बड़ा होगा, इसके लिए अपन ने क्या कर दिया, 1000 को डिवाइड करके 1000 के फॉर्म में अपन क्या किया, ठीक है। तो अभी अपने को क्या बोला, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ अ इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस। मतलब क्या, इनकम ये है y है और क्या है ये x है, मतलब y ऑन x का इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, रिग्रेशन y ऑन x, समझ में आ रहा है। मतलब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, b y ऑन x निकालेगा, एक रिग्रेशन का इक्वेशन निकालेगा। मतलब रिग्रेशन इक्वेशन क्या रहेगा, y is equals to a plus b y on x क्या रहेगा, x, ऐसे फॉर्मेट में क्या रहेगा, इक्वेशन बनेगा। लेकिन अब ये वैल्यू चाहिए अपने को, तो वैल्यू से अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मैं बोला आपको, दो फॉर्मूलास हैं और भी फॉर्मूलास अवेलेबल है, लेकिन क्या ये दोनों में से कोई एक को चॉइस करना है। अब क्यों, अगर आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला करते हो थोड़ा इजी है, ऊपर वाला करेंगे कैसा होता है, कैलकुलेशन में ज्यादा तकलीफ नहीं होता एज कम्पेयर टू नीचे वाला, उसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्या होता है, साइंस माइनस में आने का चांस होता है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ओके, अपन इस पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको दोनों में रस आ जाए, समझ में आया। तो नेक्स्ट वी विल सी दिस मेथड। ओके, तो इसके लिए आपके पास क्या क्या चाहिए, पहला चाहिए समेशन ऑफ xi into yi, मतलब xi into yi का अपने को एक पूरा डाटा निकालना है। देन फिर उसके बाद क्या निकालना है आपको, x बार y बार निकालना है, तो सिंपल है मीन। फिर उसके बाद क्या, xi स्क्वायर, मतलब अपने को चाहिए क्या है, दो ही पार्ट चाहिए, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ओके, तो क्या कर रहा हूं मैं, अब यहां बॉक्स बना रहा हूं, क्या लियो मैं, xi into y। ओके, तो ये दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। देखते हैं, चलो क्या है, 11 10 जा 110, 7 8 जा 56, बराबर। फिर उसके बाद क्या है, 9 6 जा 54, 25, फिर उसके बाद कितना, 7 8 9 72, फिर उसके बाद 6 7 था 42, फिर उसके बाद सेम, इतना बार समझ में आया, ये एक हो गया। फिर उसके बाद और क्या चाहिए अपने को, x स्क्वायर, दिस पार्ट समेशन। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर, ये पार्ट, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकाला तो क्या होगा, 11 into 11, 121, फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 5 का 25, 8 का 64, 6 का कितना 36, 10 का 100। अब क्या करना है अपने को, इस सब का जस्ट टोटल करना है, इस सब का क्या करना है, टोटल करना है, तो टोटल करें। और एक चीज, n कितना है वो ढूंढना है अपने, n कितना है, 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एन का मतलब क्या है नंबर, एलिमेंट्स कितने हैं सेवन, ले लिया एन निकल गया अपना, पहला चीज अपन ने यहाँ पे देखा एन ये मिला, फिर उसके बाद समेशन निकाल दो सबका, समेशन ऑफ एक्स आई, ओके तो एक्स आई क्या रहेगा 11 प्लस 7 18, 18 मतलब 27, 27 और 5 कितना आएगा 32, 32 और 8 40, 40 और 10 कितना होता है 50, 56 समझ में आया, ठीक है फिर उसके बाद कितना है 10, 18, 24, 29, 29 और 38, सॉरी 29 ना, हाँ 38, 38 और 7 कितना होता है 45, 45, 11, 56 y कितना है समेशन ऑफ y सेम आया दोनों x और y सेम आया है, फिर उसके बाद इसको समेशन करते हैं, समेशन ऑफ xi yi इज इक्वल टू कितना, अब सिंपली अब ध्यान दो नॉर्मल अपन बच्चे लोग कैसे करते सेम वे करेंगे 10 कितना 5 ओके 10 15 15 उसके बाद कितना हो गया 9 1 कैरी 1 2 7 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 over 5, 26, ठीक है, 2 carry, 2, 3, 4, मतलब कितना आया, 469, same way में इसको भी करेंगे, 9 over 10, फिर उसके बाद ये 10, 6, 2 carry, 2, 4, 8, 8, 8, 16, 16 और 18, 18 और 6 कितना होता है ठीक है 24, 24 और 3, 27, 2 carry, 2, 3, 4, summation of x square कितना होता है 4, 7, 6, ये तो मिल गया अपने को summations, अब आपको क्या चाहिए इसके अंदर थोड़ा रब कर दूं मैं, ओके n है आपके पास 7, अब आपको क्या चाहिए x बार, x बार निकालने के लिए क्या है समेशन ऑफ xi अपॉन n, xi कितना है 56 डिवाइड बाय 7 तो कितना है 8 समझ में, फिर उसके बाद सेम वे में y वैल्यू निकालेंगे, सेम वे में y भी 56 अपॉन 7 मतलब क्या हुआ 8 होगा ओके ये दो चीज निकल गया आपको x y मिला है, अब ये भी समेशन मिला है, ये भी सब कुछ मिल चुका है, तो अभी अपने को करना क्या है कौन सा इक्वेशन के लिए बनाना है अपने को y is equals to a plus b y on x क्या रहेगा x, तो अब क्या निकालेंगे अपन b b y on x is equals to फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या है summation of xi yi minus n x bar y bar upon x से मतलब नीचे क्या होगा स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन ऑफ x के टर्म में आएगा तो क्या रहेगा summation of xi square minus क्या रहेगा n x bar का स्क्वायर, n x bar का स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपन क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे, तो ध्यान दो अभी जस्ट वी विल पुट द वैल्यूज क्या है 469 माइनस क्या रहेगा n कितना है 7 इनटू 8 इनटू 8 डिवाइड बाय अब x स्क्वायर का वैल्यू 476 माइनस 7 n कितना है n 7 है अब x बार कितना है 8 8 का स्क्वायर वही हुआ 8 into 8 अब एक चीज ध्यान रखना कभी भी अगर x और y सेम आए ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है ये दोनों का वैल्यू ऊपर का और नीचे का वैल्यू क्या रहेगा ये दो सिर्फ दो ये दो का वैल्यू क्या होगा सेम रहेगा ओके तो अब उसके बाद क्या कर रहे हैं 469 माइनस कितना हुआ 7 7 into सॉरी 8 8 का स्क्वायर कितना 64 into 7 28, 2 carry, 42, 44 बराबर तो माइनस कर दिए 476 माइनस सेम है अब मैं फिर से कैलकुलेट नहीं किया टाइम बचा सकते यहाँ पे अब ये माइनस करना है 9 में से एड गया तो 1 फिर उसके बाद 2 में से 21 ओके डिवाइड बाय नीचे क्या है 6 से 1 कैरी कर देगा 18 आ जाएगा 18 में से क्या हो रहा है 8 गया तो कितना 8 आएगा 2 तो इसको जब डिवाइड करेंगे अब ऐसे थोड़ा सा जिसका कैलकुलेशन इजी है तो वो जल्दी कर लेंगे 7 3 जा
सेवन फोर जा, तो मतलब क्या हो गया 3/4, 3/4 का मतलब क्या था 0.75, मतलब आपको बी वाई ऑन एक्स क्या मिला है, बी वाई ऑन एक्स क्या है 0.75 या फिर 3/4, दोनों में से आप एक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थ्री बाई एक्स सॉल्व करने में आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, ए फाइंड आउट करने या फिर आगे। ओके, तो अब तो आपको बी मिला है, अब क्या चाहिए आपको ये इक्वेशन के लिए, ए चाहिए, ए के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दो क्या आएगा, y bar is equals to a plus b y on x क्या रहेगा x bar, y bar आपको पता है 8, a कितना है पता नहीं, कैलकुलेट करना है, और ये कितना है 3/4 into क्या रहेगा x bar कितना 8 है, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, तो 1 जा 2 जा कितना हो रहा है 8 is equals to 6, sorry a plus 6, अब a क्या होगा 2, समझ में आया। अब इक्वेशन के लिए a मिल गया y मिल गया, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x क्या बनेगा, y is equals to a कितना है 2 प्लस b y on x कितना है 0.75 और x, ये क्या है आपका रिग्रेशन इक्वेशन। इतना बड़ा होता है ये पहला क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरे क्वेश्चन में ऐसा बोला है, व्हाट इनिशियल स्टार्ट वुड यू रिकमेंड फॉर अ पर्सन अप्लाइंग फॉर द जॉब आफ्टर हैविंग सर्विस्ड इन सिमिलर कैपेसिटी इन अदर कंपनी फॉर 13 इयर्स, मतलब उसने कितने साल एक्सपीरियंस है दूसरे कंपनी में, 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर वो अपनी कंपनी में आता है तो आप उनको सैलरी कितना दे सकते हैं। ओके, मतलब आपको एक्सपीरियंस दे दिया, एक्सपीरियंस मतलब क्या दिया है, सर्विस दे दिया है, कितना एक्स 13 दे दिया है, तो क्या करेंगे सेकंड वाले में, पुट या पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 13। ओके, तो क्या होगा इक्वेशन पुट किया तो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस क्या रहेगा 0.75 इनटू 13, समझ आ रहा है 0.75 इनटू 13 रहेगा। अब इसको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करना है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा y मिलेगा, चलो करते हैं 2 प्लस, अब इनटू करेंगे कितना होगा 13 इनटू 75 या फिर 75 इनटू 13 कर, पॉइंट में हां कंफ्यूज नहीं होना, 3 5 15 1 कैरी 21 22। ओके, फिर उसके बाद 5 7 5 7 9, मतलब ये कहां पे आएगा 9.975। इतना बात समझ में आया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा y is equals to 2 plus, सॉरी लिख दिया मैंने ऑलरेडी, तो दो वाली चीज होते हैं ऐड कर देना 11.75। अब ये इसके टर्म में इनटू 1000 करना है, इनटू क्या करना है 1000 करना है, फिर वही क्वेश्चन लिख लेना है, फिर उसको हमको कितना सैलरी देंगे 11,750 कितना मिलेगा, पैसे क्या करेंगे अपन कैलकुलेट पूरे करके उनको क्या दे सकते हैं सैलरी दे सकते हैं। आईएससी में क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये तो हो गया अपन इस फॉर्मूले के बेस में, अब वही चीज आप ये फॉर्मूले के बेस में भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, x बार निकाल देना पड़ेगा, वो तो निकालना आता है आपको मीन, फिर उसके बाद क्या करेंगे xi माइनस x बार का एक कॉलम निकालेंगे, फिर उसके बाद y माइनस y बार का एक कॉलम निकालोगे, फिर उसके बाद इसका जो बड़ा है इसका क्या करोगे, इसमें भी क्या करना, तीन कॉलम निकालना पड़ेगा, पहले वाले में कितना कॉलम निकाले सिर्फ दो ही निकाले, इसके लिए मैं क्या बोल रहा था प्रीफर करो दिस वन, इट कुड बी वेरी इजी एज कंपेयर टू दिस वन, दिस इज आल्सो इजी बट ये थोड़ा अच्छा होगा। ओके, तो ये अच्छे से लिख लेगा, तो उसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके एवरीवन, तो अभी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.1 का सेकंड प्रॉब्लम क्या करेंगे चेक आउट करेंगे। ओके, लेट्स सी, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ अ x ऑन y, ठीक है, क्या बोला है x ऑन y बोला गया, पहले वाला अपन ने क्या सॉल्व किया था y ऑन x सॉल्व किया। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, y ऑन x सॉल्व किया, अभी क्या करेंगे x ऑन y एंड y on x, मतलब वो भी करना है ये भी करना है। ओके, फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग डाटा,
ठीक है, एक्स और वाई आपको क्या दिया गया है, डाटा दिया है आपको निकालने, क्या बोला है, रिग्रेशन का इक्वेशन निकालने बोला है, क्या बोला है, रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर y और x निकाला, x और y दोनों निकाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले अपन क्या निकाल, इससे पहले तो y और x निकाल चुके थे, तो अभी क्या करेंगे, x और y कैलकुलेट करते, फिर उसके बाद y और x कैलकुलेट करते, ठीक है। तो आपको डाटा क्या दिया है, x का डाटा दिया है, तो पहले निकालते इसके लिए क्या नहीं बिठाया नहीं, ओके। तो ये क्या आया आपको, x और y का डाटा गिवन, गेटिंग। तो पहला क्या दिया है, x का कुछ दिया है, y का, अब n कितना है इनका, 1 2 3 4 5, n is equal to 5, ओके। तो आपको सेम वे में यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहां पे क्या बोला है, क्या होगा ये x on y, क्या होगा x on y, x on y, x on y के लिए यहां पे क्या आएगा, y square आएगा, ओके, और यहां पे क्या आएगा, y बार, समझ आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा, xi minus, sorry, y minus y बार, बस इतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। तो अभी अपने को कॉलम क्या करना पड़ेगा, अब दोनों निकाला तो मैं एक ही बार दोनों कॉलम बना दूं, एक ही बार क्या करेगा, दोनों कॉलम निकाल देते। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा नजदीक कर लेते, लगा नहीं ना बोर्ड पे, तो एक्स आई वाई आई, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले वाला निकाल, इसके लिए पहले वाई स्क्वायर निकाला हो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर भी निकाल के रख देते, क्योंकि दोनों सॉल्व करना है अपने को। तो पहला चीज दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ओके, 10 5 50, फिर उसके बाद 12 12 6 कितना, 72 आना चाहिए, नहीं आया तो उसकी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कोई इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। 13 7 जा मतलब 721 21 मतलब 91, फिर उसके बाद 170 में से 17 निकाल दो, 153, ठीक है, फिर 18 13 कर लो, अच्छा रहेगा। जिसको माइंड कैलकुलेशन नहीं आएगा तो उनको करना पड़ेगा, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, आपको थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। 24 4 2 कैरी 6 5, तो उसके बाद 18 कितना होगा, 4 3 2 कितना आ रहा है, 2 3 4, ये हो गया, अब निकाल चुके हो। तो उसके बाद y स्क्वायर, y का कितना है, 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, उसके बाद 7 का 49, 9 का 81, 13 का 169, ठीक है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, अगर ये पता नहीं होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो फिर उसके बाद 10 नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा मल्टीप्लिकेशन कर लेने का, 10 100, फिर उसके बाद 144, उसके बाद कितना है, सेम था 69, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, 169, फिर उसके बाद ओके। तो 17 का स्क्वायर निकालेंगे अपन, 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, सिंपली अगर नहीं समझ में आता तो कैलकुलेट कर दो एक बार आराम से, ठीक है, कितना आएगा, 289 आता है, कोई बात नहीं कर लेते, 9, फिर उसके बाद क्या रहेगा, कितना क्या रहेगा, 49 ना, तो 4 क्या रही, 7, 14 मतलब कितना होगा, 11, 7 plus 4, 11 होगा, फिर नीचे एक क्या रहेगा, 17, as usual, 9, 8, 2, जो बोला ऑलरेडी, 2, 8, 9, सेम वे में 18 का स्क्वायर पता है, आई होप नहीं पता रहेगा तो फिर कर लो, इतनी सी बात। तो अब क्या करना है, आपको टोटल करना, अब क्या करना है, टोटल करना है सबका, सबका अगर टोटल करेंगे तो क्या रहेगा, सिंपली टोटल कर लेते हैं, इसका कितना आएगा, 2 5 मतलब कितना, 10 12 20, 2 कैरी 2 3 4 5 6 7, 17 मिला, समेशन ऑफ एक्स आई कितना मिला, 17, सेम वे में 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 9 कितना होता है, 18 मतलब कितना, 27, 27 और 3 मतलब 14, ओके। फिर उसके बाद इसको टोटल करेंगे, कितना है, 4 प्लस 3, चलो ऊपर से आते चलो, 3 प्लस 0, 1 कैरी 1 कैरी, उसके बाद 5 6 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 13 13, और 9 कितना होता है, 13 और 9 22 22, और 5 कितना होगा, 27 27 और 3 30, 0
3 कह रही, 3 कहां पे कह रही है, यहां पे 3 4 5 6 कितना है 600। ओके फिर उसके बाद एक भी कैलकुलेट कर लेंगे, देखो कितना है 5 6 11 11 और 9 कितना होगा 20 21, फिर उसके बाद फिर 9 30, 0 कह रही मतलब 0 3 लिखेंगे 3 5 3 और 5 sorry 5, फिर उसके बाद 3 8 8 12 12 और 8 कितना होता है 20 20 और 6 कितना होता है 26, 6 2 क्या है मतलब 3, समझ में आ रहा है। ओके फिर उसके बाद इसको भी कर लेते हैं, 9 है तो फिर से लिखो 9, और जो भी आप वैल्यूज लिखते हो थोड़ा अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना, क्योंकि क्या होगा आप अगर 9 की जगह 1 जैसे दिख जाए तो 1 ले लिया तो फिर आंसर रॉन्ग आएगा, उस चीज का ख्याल रखना। ओके 4 9 कितना होगा 13, 13 और 8 9 कितना होता है 22, 22 और 4 26, 6 लिखा 2 कैरी 2 6 12 12 और 8 20 20 22 sorry क्या ओके 2 6 ये 10 12 20 20 22, उसके बाद 2 कैरी यहाँ पे कितना हो रहा है 1 2 3 3 और 2 5 5 और 5 10, ये हो गया। अपन क्या कर चुके हैं, समेशन सबका निकाल चुके हैं, किस किस का समेशन निकला है, xi का, yi का, फिर उसके बाद x into yi का, फिर उसके बाद y square का, x square का, ये x square अपन को सेकंड वाले पार्ट में इस्तेमाल होगा, y square को पहले अपन देखेंगे। ओके तो अभी अपन क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, मीन मतलब x bar y bar एकदम सिंपल है, x bar is equal to क्या रहेगा, summation of xi upon क्या रहेगा n is equal to कितना रहेगा 70 by कितना रहेगा 5, n कितना है आपके पास 5 है, 1 2 3 4 5, तो 14 आएगा। फिर उसके बाद y bar भी निकाल लेंगे, y bar निकाला तो क्या होगा summation of y bar y upon n, summation कितना है 40 divided by कितना रहेगा 5, बराबर कितना होता है 40 divided by 5 मतलब 1। ये हो गया अपन ने क्या क्या निकाला, x bar y bar, अभी अपने को और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस रिग्रेशन इक्वेशन निकाल के अपन क्या करेंगे प्रूव करेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या रहेगा, x और y निकाल के पहला वाला x and y के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दोनों एक ही हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपन ने टेबल जिस हिसाब से बनाया उसके हिसाब से अपन करेंगे। तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, y is equal to a plus b x on y क्या रहेगा 5। ओके फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले क्या चाहिए अपने को, ये बात b x on y is equal to क्या रहेगा summation of x i y i minus क्या रहेगा n x bar y bar upon क्या रहेगा summation of y आएगा, नीचे y है, नीचे y है मतलब y लिखेंगे, y square minus n y bar square। ओके इतना बात आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वैल्यूज तो हमने को पता है 600, यहां नहीं हुआ तो जगह कम पड़ेगा, 600 माइनस क्या लिखेंगे n कितना है 5 है और x कितना है 14 है इनटू कितना रहेगा 8 है, डिवाइड बाय क्या रहेगा 360 माइनस n कितना है 5 है और उसके बाद स्क्वायर कितना है y कितना है 8 का स्क्वायर। अगर सेम रहता तो क्या होता, डायरेक्ट एक ऊपर एक क्या रूट किया नीचे का डायरेक्ट अपन क्या कर सकते थे लिख सकते थे। तो अभी क्या करेंगे 600 माइनस अब ये मल्टीप्लाई करना है, अब देखो 5 इनटू 14 कितना होता है 70 होता है, तो वही डिवाइड करने से पहले अपन मल्टीप्लाई कर दिए, इनटू क्या करना है 8 करना है। ओके 8 किया तो कितना होता है 8 5 का कितना 56 आ जाएगा, डिवाइड बाय उसका वाई कितना है 360 माइनस 64 इनटू 5 करना है, क्या करना है 64 इनटू 5 कितना होगा, देखो कुछ नहीं इसका आधा कर लो ऐसा नहीं समझता तो ठीक है कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर देंगे 0 2 क्या 2 क्या मतलब कितना होता है 6 का करेंगे।
प्लस 30 और ये 2 कैरी कर दिया 20। ओके इतना बात। अब देखो 40, अरे बाबा ये 40 आया, चलो कोई बात नहीं, 0 0 कैंसिल, मतलब आपको क्या मिला b y on x क्या मिला है 1 मिला है, b y on x क्या मिला है 1। ये तो हो गया अपन b y on x। अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है, a कैलकुलेट करना है। इधर थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर दो, x1 y is equals to 1। ओके तो अभी आपको क्या चाहिए, a कैलकुलेट करना है। a के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, x बार is equals to a plus b, क्या रहेगा x1 y, y बार डाटा सब गिवन है, x बार कितना है 14 is equals to कितना है a कैलकुलेट करना है, b कितना है 1 है, 1 into क्या रहेगा 8। इतना बार समझा तो 8 उससे गया तो क्या हो जाएगा a is equals to 14 minus 8, I think आपको आता है इतना तो ठीक है 6 है, a is equals to क्या रहेगा 6, ये भी मिल गया। फिर उसके बाद यही सेंटेंस लिखना है, the regression equation of x and y, okay? Regression equation क्या रहेगा x on y, तो क्या रहेगा x is equals to, x is equals to क्या रहेगा a कितना है, पहले लिख लो, थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन लगता है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू आपको पता है x ऐसे वैसे रहेगा, a का वैल्यू कितना है 6 है, b का वैल्यू कितना है 1 है, फिर उसके बाद y ऐसे ही रहेगा, तो क्या होगा x is equals to y plus 6 लिखो या 6 plus y लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ये था क्या पहला वाला, सिमिलर वे में क्या करेंगे दूसरा वाला, सिमिलर वे में क्या करेंगे दूसरा वाला करेंगे। आपको आता है आप ट्राई करो, नहीं आया तो देख लेना बस वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना, आया तो ठीक है नहीं आया तो मैं तो हूं। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, सिर्फ यहां पे क्या होगा x आएगा बस, और कुछ तो पहले प्रॉब्लम के तो सेम वे में सॉल्व करेंगे, तो क्या रहेगा यहां पे y is equals to a plus b y on x क्या रहेगा। तो अब क्या निकालेंगे अपन, b y on x निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही है x i y i माइनस क्या रहेगा n x बार y बार अपॉन क्या रहेगा समेशन ऑफ x i स्क्वायर। x i आया ध्यान से देखना, भी आपको समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर उसके बाद n x बार स्क्वायर। ओके यहां पे लिख दूं फॉर्मूला। ओके तो अब क्या करेंगे, x से बार तो आपको पता है 600 माइनस वही आने वाला है कितना आएगा 560 डिवाइड बाय, अब आपको क्या करना है xi 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 स्क्वायर कितना है दिस पार्ट 1026 माइनस n कितना है आपका 5 है। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपको 14 का स्क्वायर लेना रहेगा, इसका स्क्वायर लेना रहेगा 14 × 14, इतना बात तो समझ में आ रहेगा आपको। अब ध्यान दो, अब क्या करना है आपको, ये इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या रहेगा 40 मतलब 70 × 14 कितना है 980। तो अब क्या करोगे, लिख लूं 500 माइनस सॉरी 600 माइनस ये रहेगा 1026 माइनस कितना है टर्म। ओके अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ऊपर माइनस कर दो कितना आएगा 40 आ रहा है, नीचे माइनस कर दो कितना 1026 माइनस क्या करना है 980, 1026 माइनस 980 कर दिए तो क्या मिलेगा 6, उसके बाद 1 कैरी लेंगे 4, उसके बाद क्या रहेगा तो 0, मतलब क्या हो रहा है 46 आ रहा है। ओके अब ये 46 क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, डिवाइड करने आता रहेगा आपको, 2 के टेबल में कर लेते हैं, 2 कर दिया तो कितना होगा 5 तो नहीं हो सकता, 2 से करना पड़ेगा 20 डिवाइड बाय कितना होगा 13, 2 डिवाइड बाय क्या रहेगा 13 × 23 ठीक है, 20 डिवाइड बाय 23 करना है, पहला तो 0 लिख लेगा मैं, फिर उसके बाद क्या होगा 0, 0 मतलब क्या एक 0 बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद 8 जा कितना होता है 23 × 8
23 इंटू 8 कितना होगा, 8 24, 2 कैरी, उसके बाद 16, 18 हो जाएगा, 84, अब बचता कितना है 16, और एक जीरो आ जाएगा, जीरो लेने के बाद क्या करेंगे, फिर कौन से नंबर में आएगा, 7 से चेक कर लेते 60, मतलब इसमें से 23 निकाल दो, बस उतना ही, 1, ओके, 1 मतलब कितना, 6, 1, मतलब क्या हो रहा है, 6.9 के आसपास आएगा, 7 में यह आ रहा है, तो एक ही कम है ना, एक कम के कारण आपने क्या किया था, 69 लिखी, ओके, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 0.869, 0.869 क्या रहेगा आपको, BYX मिला है, क्या मिला है, BYX मिल चुका है, अब क्या करेंगे, आपको क्या चीज़ है, लिख लेंगे, BYX is equal to 0.869, इसको मैं 7 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, y is equal to a plus क्या रहेगा, by on x, x बा ये निकालेंगे, y बार कितना है, 8, इसी को शेप पता नहीं, ये कितना है, 0.87 ले लेता हूँ, थोड़ा इसी कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद x बार कितना है, 40, अब ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, ये a हाँ, तो कितना रहेगा, 0.87 × 14 4 7 8 2 8 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
माइनस जाएगा उस साइड जाएगा तो आपको क्या मिलता है, a = माइनस कर दो कितना होगा 8 गया तो माइनस 4.18 मिलेगा, ठीक है माइनस 4.18 क्या मिलेगा आपको आंसर मिलेगा। तो अब इस पार्ट को क्या करेंगे अपन, इस पार्ट को क्या करेंगे इक्वेशन यही पार्ट में लिख के y = a + b y x पार्ट, तो y आपको पता नहीं a पता है तो इस पार्ट को कैसे लिखेंगे, पहले x का टर्म लिख देंगे 0.87 माइनस क्या रहेगा x माइनस 4.18 ये क्या रहेगा आपका इक्वेशन है रिग्रेशन। ऐसे अपन क्या करेंगे दोनों का कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको यहां तक दो प्रॉब्लम समझ में आ रहेगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे बाकी के करेंगे। ओके थैंक यू।